प्याज हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। तू मोहताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा सारे जहां। कि पान खाए सैया हमारो। आइए आप सभी तमाम यहाँ पर उपस्थित जितना भी इस कार्यक्रम में आए हमारे प्यारे अतिथिगण हैं, आप सभी तमाम श्रोतागणों को निशा उपाध्याय की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शिवेश मिश्रा जी, अरमान बाबू और भी बहुत सारे कलाकार हैं। मैं चाहूंगी कि अरमान को अरमान को अरमान के दिल में बहुत सारा अरमान ये अरमान है। माइक लीजिए, माइक लीजिए, माइक ले लो, माइक ले लो। और हेलो 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 आए भैया, हम बहुत बुरी गायक अरमान बाबू। श्रोता सुनाए लोग मेरे से बोल छुके बोल लगा था। और भैया अगर हमरा से गावे में कोनो प्रकार के गलती हो जाए, अपना घर के बारे क्षमा से माफ करे। जैसे कि लगातार अभी दो दिन से कार्यक्रम चला था और यहाँ अंकेश भी अबानी हमारे वहाँ के बार बार नमस्कार बा, हमारे सागर भी अबानी वहाँ के बार बार नमस्कार बा, उजाला भी अबानी बा। एक कुर्ता होता तो बड़ा शानदार लेके आइल बारो बाबू, का शादी फिक्स हो गई बा का हो ना? हाँ अभी राउर जाऊँ बरती जाएगा तो बाकी बतले अभी हमारे पास। वाह वाह, आ
क्योंकि तुम्हारा मुर्गी ही फेमस है, जब तक तुम्हारा वो मुर्गी नहीं है, बाल में तुम्हारे चुड़की ना आए तब फिर मजा नहीं आएगा। तो इस चीजों को फिर से किया जाए और सभी लोग ध्यान देकर के जाओ। माता ज्योति
Thank you.
भारी भारी से आप लोग फोटो का कार्यक्रम करें और धीरे धीरे मंच को थोड़ा सा खाली भी रखें। और आइए, जैसा कि आदेश है एहसान जताने की जरूरत क्या थी, और आकर अगर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी, कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी और आकर अगर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी, कि हाल पूछा भी नहीं और हाल बताया भी नहीं, ऐसे अगर आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी, क्योंकि चूंकि आंधिया आती है आएगी यकीन था तुझको, कि आंधिया आती है आएगी यकीन था तुझको, तो फिर बात बढ़ाएंगे हम लोग, काफी टाइम हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा फोटो सेशन का सिलसिला थोड़ा तेजी से होना चाहिए। साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे निशा जी, जो कि आपके बीच है निशा उपाध्याय जी, उनके लिए एक ताली बनाइए, ताकि हम निशा जी, निशा क्या बात है, कमाल है बड़ी चीज, अरे बरात तो होता है ठुमके तो लगते हैं, कभी भी तालियां भी बजनी चाहिए दोस्तों, ताली निशा उपाध्याय के लिए, पटना की सर जमीन कंकड़बाग, और हमारे वर वधु को आशीर्वाद देने आए हैं गप्पू जी के घर पे, तो इनका रिक्वेस्ट और स्वागत वेलकम, और आपके बीच अब कंटिन्यू बनी रहेगी निशा उपाध्याय जी, साथ साथ हमारे सुरेश मिश्रा जी, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, और बहुत बहुत धन्यवाद माँ दुर्गा इवेंट अभिषेक जी, जो कि इतना अच्छा सजावट, इतना अच्छा डेकोरेशन है, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शंकर जी, कितना अच्छा आप लोगों ने व्यवस्था किया है, इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया है, इसलिए बहुत बहुत आभारी कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ता, खासकर शंकर जी को। आइए, फरमाइश आई है, दिल न लगाई है, फिर जनिए भूला जाएगा, थोड़ा इसका और बढ़ा दीजिएगा भी। हेलो 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 अरमान अरमान, ये जो प्यार मोहब्बत वाली बातें होती है, अक्सर पता नहीं क्यों जब किसी से प्यार किया जाता है, जब किसी से मोहब्बत की जाती है, तो अक्सर किस्मत में वो लोग होता नहीं है जिससे प्यार हो, जिससे मोहब्बत हो, क्योंकि कहावत है कि प्यार शब्द अधूरा होता है, मोहब्बत शब्द अधूरी होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होती कि प्यार मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ही प्यार को प्यार कहा जाता है, प्यार ऐसी चीज है, कोई माँ बाप से भी प्यार होती है, भाई बहन से भी प्यार होती है, दादा दादी से भी प्यार होता है, पति पत्नी से भी प्यार होता है, प्यार का मतलब ही होता है दिल का कनेक्शन, दिल का जुड़ना, लेकिन एक लड़का एक लड़की का ये प्यार है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक समय आ जाती है कि दोनों की दूरी हो जाती है, दोनों दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, लड़का भी नाराज है, लड़की भी नाराज है, लेकिन हम कभी किसी को धोखेबाज नहीं बोलते हैं अरमान, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ना लड़के धोखेबाज होती है, ना लड़कियां धोखेबाज होती है, ना जी, क्योंकि ना लड़के धोखेबाज होते हैं, ना लड़कियां धोखेबाज होती है, धोखेबाज का नाम इसलिए हो जाता है, बेवफा का नाम उसके मुंह पर इसलिए थप्पा लग जाता है, क्योंकि मजबूरी आ जाती है, मजबूरी का नाम ही धोखाबाज होता है, बेवफा होता है, लड़का और लड़की दोनों बेवफा एक दूसरे को समझते होते हैं क्या? बेवफा लड़की बेवफा दोनों एक दूसरे से कहते हैं क्या? और इस गाने को आप सभी ने YouTube पर इतना प्यार मोहब्बत दिया कि इस गाने को 10 मिलियन व्यूज हम लोगों का YouTube पे गया था, जो कि MKS एंटरटेनमेंट, उजाला एंटरटेनमेंट, सागर एंटरटेनमेंट, इतने सारे कैमरे लगे हैं, कल भी आप लोगों के बीच में इस गाने को सुना जाएगा YouTube के माध्यम से, और कहना है क्या?
Yeah, too much.
जी, शंकर जी, बनमोर जी आपका नाम इधर है, इधर देखिएगा, शंकर जी आपके लिए भी, ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें होती है ना, बड़ा दर्दनाक चीज होती है, जब किसी से दिल से मोहब्बत हो जाए, कभी किसी से दिल से प्यार हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है दिल से किसी को निकाल पाना, लड़की कहती है क्या भगवान करे कि इनकी जिंदगी में कभी प्यार की कमी ही ना हो, क्योंकि ये कलाकारों से प्यारी करा कर रहे हैं, कलाकारों को इतना प्यार पैसों के साथ, भगवान करे कभी इनके बीच में प्यार की कमी ही ना महसूस हो, कि प्यार होती क्या चीज है, दुश्मनी होती क्या चीज है, लड़की कहती है क्या पापा।
और यशवंत जी की तरफ जो कि दूल्हे के पापा जी जिनके तरफ से 2000 रुपए का इनाम आया है, 5000 रुपए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिनके तरफ से बहुत सारे इनाम आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जोर जोरी बने रहे दूल्हा दुल्हन का कि अब जा जिनके तरफ से 501 रुपए का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सबके बीच में मैं चाहूंगी आप लोग भी आ जाइए, आइए जाओ प्रिया आओ दोनों के दोनों, आइए आप चलते हैं फिर लोकगीत की दौर में। एक और गाने की फरमाइश है जो कि तुम्हारे साथ यूट्यूब पर वायरल हुआ था कि दूसरों के कतही से बाल जब झड़ा, इस गाने की फरमाइश है, आइए आप सबके बीच में तीनों को जाना पड़ेगा किसी को, जाओ ना उसको ले क्या कि तू सौ के कहीं से बाल जब जो मोना है ये मोना है तुम्हारी सोना है, लेकिन लेकिन ध्यान रखना ये जो मोना है तुम्हारी सोना है, लेकिन इसको जानते हो क्या होती है, नजर घटी दुर्घटना घटी, इसलिए पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये सीवेज जी की कहानी है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, सीवेज जी हमेशा बोलते हैं। तो ये तुम्हारी सोना है ठीक, तुम छोटे बच्चे हो, छोटे पति मिले हो, डांसर है पुलवा के नीचे, और जानते हो मोना क्या बोलती है, उसको लेके चलना कि तू सो के कहीं से बाल जब झड़ा कि पाउडर क्रीम मोना बादिया सारा कि तू सो के कहीं
बार 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 इनके तरफ से बात बोले कि जब दिल पे लगा बहुत बड़ा चोट चोट तब निकला इनके जेब से हजार रुपए का नोट हजार हम तो नहीं देखे थे फिर आप धीरे धीरे बोलते रहेंगे सर इनके पूरे शरीर में प्यार भरा हुआ जानते हो क्यों 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 बुढ़वा मलाई खाले मान लो थोड़े देर के लिए बूढ़ा तुम ही हो भैया से भैया से भैया तुम्हारी बुढ़िया इन दोनों में से कोई बनाओ तो बनाओ भैया तो बनाओ बनाओ तुम्हारी बुढ़िया भैया इन्हीं को बनाओ अच्छा ये बुढ़िया तुम्हारी ये तुम्हारी पटो ठीक चलो पटो इधर आओ पटो पटो वाली रक्षा जी को ये दुपट्टा रखो सर पे साड़ी रखो सर पे रखो अब बेटा तुम्हारा पता नहीं प्रमोद जी तुम्हारे बेटा है तरीके से ठीक ये प्रमोद जी की बीवी ये आपकी बीवी हो गई और ये प्रमोद जी है उनके बेटा अरमान हमारे प्रमोद भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार आया मैं यहाँ पे अपनी कृपा मिल रहा हूँ तो देखो प्रमोद जी तुम्हारे बेटा है ये तुम्हारी बहू हो गई तुम हो गए बोटा और ये तुम्हारी बीवी अरे बीवी तो हो गई लेकिन उसके बाद बूढ़ी हुई ना तो बूढ़ी वाली तो बूढ़ी जब बूढ़े होते हैं तो ऐसे चलते हैं चल के दिखाते हो दोनों के दोनों हाँ चलो अरे बाप रे ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग एक्टिंग के साथ में चल के हमारी पोतो को थोड़ी देर के लिए हम लेके जाते हैं थोड़ा सा चेंज कर देंगे मान ले प्रमोद जी का तो ध्यान इधर है ही थोड़ा सा भटकाते हैं इधर लेकिन मोना जी बकरी का दूध पीती है ठंडी ना लगे आप जैसा आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है प्रमोद जी लग रहा है कि कनपुरा यहीं पर आ गया है हमारा उठ करके आप आ गए कनपुरा पूरा यहाँ आ गया है और सरकारी फरमाइश भी है ओढ़नी से मुंह में बांध के जनी आई है हां ताई कनक है कि बुढ़वा मलाई खले बुढ़िया लेकिन समय जैसे चेंज हुआ पहले का था कि निरहू रहे लेकिन जब से 2021 आया है जब से जनरेशन चेंज हो गया है जानते हो क्या हो गया है कि बुढ़िया रहे बीमार
के लिए ये गाना यहाँ पे फरमाइश है प्रमोद जी की कि मुहब्बत हो रनी से कि मुहब्बत हो रनी से ना तची है मैं देर होई हो मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगी मैं तेरे बाद हो मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल मोहब्बत को भूल तो जाओगे लेकिन जानते हो ये शहर कैसा है अजनबी शहर है अजनबी शहर प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जिनके तरफ से बहुत बहुत फिर से हजारों हजार परिणाम आया है भगवान करे कि रिंकू राज जी ऐसे चमकते रहे और आज करते रहे और आगे मेरी आंखों में आंसू बोल दे पर तुम भी बोल दो रिंकू राज भैया के तरफ से बहुत बहुत रुपये को पुरस्कार आई भाई यहाँ पे ऐसे की समझ लेना मुस्कुराते हो ना ही तुम दिल में रहते ना ही दूर जाते हो आई आई मेरे आंखों में आंसू देख मुस्कुराते हो ना ही दूर जाते हो ना ही आंखों में आंसू देख मुस्कुराते हो कन्हैया सिंह जी की तरफ से 1001 का नाम आया है भगवान करे कि ऐसे ही दिन दिन रात चौगुना ये बढ़ते हैं तरक्की करते रहे लड़की कहती है क्या क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के हर सर जो जाए मैं
तुम पुरस्कार आए मैं यहाँ पे असली चुपका बनी के रहा। आइए दूल्हे दुल्हन के लिए एक गाने प्रस्तुति है और एक यहाँ पे सीएस जी हैं, इसके बाद से हम चाहेंगे कि सीएस जी आप ही आइए। तब तक के लिए हमारे बड़े ही प्यारे आज के आन बान शान हमारे प्यारे दूल्हा साहेब जी और दुल्हन साहिबा जी, सभी कलाकारों की तरफ से एक प्यारा सा गीत भेंट होता है। ये प्रमोद सिंह जी कनपुरा जिनकी तरफ से फिर बार बार कलाकारों को इतना प्यार समय मिल रहा है, फिर से हजार रुपए का इनाम आया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कप्पू सिंह जी, यशवंत सिंह जी जी की हम लोगों को बुलाए यहाँ पर। और इतना प्यारा आज दूल्हा दुल्हन का जोड़ी सजा हुआ है और यहाँ पे इतने सारे दर्शक इतने सारे श्रोतागण आए हैं और खास कर कनपुरा से हमारे प्रमोद जी आए हैं। जोड़ी बनल रहो दुल्हा, ज्यादा फास्ट में नहीं, कि जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समझी समझी के। लड़का का जो सजावट होती है उनको 16 श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, भगवान ऑटोमेटिकली उनको इतने सुंदर लड़कों को बना के भेजते हैं। लेकिन लड़की को भगवान सुंदर बना कर भेजते हैं? नहीं, लड़की कितनी भी सुंदर होती है लेकिन उसको तैयार होना पड़ता है, उसको सजना पड़ता है, उसको संवरना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से ही भगवान 16 श्रृंगार, जितनी श्रृंगार हो जाए श्रृंगार तो कभी कम होता ही नहीं है, सारी श्रृंगारे औरतों के लिए बना के भेजे। लेकिन लड़का को देखिए एकदम सिंपल रहता है लेकिन फिर भी स्मार्ट लगता है। लेकिन सुनिए दूल्हे साहिब जी हमारे दुल्हन साहिबा के लिए जानते हैं क्या कहते हैं, क्या की गोरिया चा अभिषेक जी आपका नाम सर को पड़, ये दूल्हे साहब आशीर्वाद तो ले लीजिए, बुला रहे भैया। दूल्हे साहब जी अभिषेक जी हैं और दुल्हन साहिबा जी स्नेहा जी, एक बार जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए आप लोग बजा दीजिए। और हमारे अभिषेक जी प्यारी दुल्हन साहिबा स्नेहा जी के लिए जानिए प्रमोद जी क्या बोल रहे हैं।
कि गुड़िया चांद के जो दिया शंकर जी के मामा नवादा जिनके तरफ से 520 रुपए के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आइए जोड़ी के लिए हमारे अभिषेक जी स्नेहा जी के लिए क्या बोलते हैं, जरा थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, ये कैमरे में रिकॉर्ड होने दीजिए क्योंकि ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था। हम लोग दरभंगा गए थे, दरभंगा ही गए थे ना, वहाँ पे भी रिसेप्शन का एक कार्यक्रम था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ही, लेकिन मैंने दूल्हे साहिब से आई लव यू बुलवाया था स्नेहा जी को। एक बार मैं चाहूंगी कि अभिषेक जी एक बार इजहार कर दीजिए, आप फूल भरा गुलाब हाथ में रखे हैं, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए और प्यार है अभिषेक का। एक बार मैक लीजिए, एक बार मैक लीजिए आप, और एक बार मैं चाहूंगी कि जो आपके हाथ में गुलाब का, सुनिए ना, एक बार जो आपके हाथ में वो रोज है ना, वो रोज आज स्नेहा जी को दे दीजिए। और स्नेहा जी मैं चाहूंगी कि एक बार आप दोनों आदमी थोड़े स्टेज पर खड़े हो जाइए, आज की आन बान शान है आप और ये जोड़ी आप दोनों की हमेशा बनी रहे और दोनों घर आप लोगों का हमेशा सलामत रहे। तो मैं चाहूंगी एक बार आप स्टेज पर आइए, खड़े हो जाइए अभिषेक, और एक बार अपना प्यार का इजहार ऐसे तो आप आज से आपने कर ही दिया है, शादी हो गई, आज आपकी रिसेप्शन भी हो गई और आज के बाद से आप लोग जोड़ी में बने हुए सातों जन्म का जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो मैं चाहूंगी एक बार इजहार कर दीजिए और स्नेहा जी को आई लव यू बोल दीजिए। मैक आपके सामने, मैक में बोल दीजिए, मैक आप ही एक्सेप्ट कर लीजिए, आई लव यू टू बोल। लेकिन फीलिंग बनी हुई है, लेकिन एक बार ये गाना थोड़ा साफ करिएगा कि गोरिया चांद के ओ चोरिया, खड़े रहिए खड़े रहिए खड़े रहिए, लेकिन गोरिया नहीं गाइएगा यहाँ, स्नेहा जी बस जैसे भी हो, बस ऐसे ही बोल दीजिए, स्नेहा चांद के ओ चोरिया, बस इतना ही बोल दीजिए। देखिए स्नेहा जी के लिए ना कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए कि स्नेहा चांद की अजूरिया मेरे जोर पर है, अब तो मैं जोर के हूँ नहीं कि तू जोर पर गा दीजिए, इसमें गा दीजिए, फिर इनके तरफ से भी मैं बोलूँ, इनको लग रहा हो कि अकेले हैं, एकदम आ गए आपके बोले में, अब जाइए अब जाइए अब जाइए, हिम्मत करके बहुत बोलिए बोलिए कि स्नेहा चांद के सब लोग साइड हो जाए, लेडीज लोगों को भी देखने में दिक्कत हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा मन से थोड़ा साइड कर दीजिए, लड़की लोग भी देख रही है, औरत लोग भी देख रही है सबको, और ये कैमरे में जरूर रिकॉर्ड करिएगा क्योंकि ये गाने बहुत ही वायरल होते हैं, बहुत ही डिमांड आती है इस गाने का। तो स्नेहा जी आपके पतिदेव जी का थोड़ा सा आवाज बजा हुआ है, बेचारे बहुत प्रयास किए और आपको पा लिए, बहुत है जन्म जन्म का साथ, आप लोग एक बार बोल दीजिए ना स्नेहा जी, जन्म जन्म का साथ, यही बोलना है, यही बोलना है, एक बार बोलिए कि स्नेहा चांद, बोलिए बोलिए स्नेहा चांद, ये जो है ना बहुत छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम है अभिषेक जी, ये जो अल्फाबेट का सबसे पहला अंक होता है ना, ए वही होता है सबसे खतरनाक होता है ना जी, आइए हमारे दूल्हा साहब जी सब आता है, लेकिन बोल रहे हैं कि निश्चय जी थोड़ा सा आवाज हमारा बजा हुआ, इतना अच्छा आवाज है आपका, कितना अच्छा प्यार से बोले स्नेहा जी, ये आपका हमेशा के लिए वीडियो रहेगा। स्नेहा जी से बोल रही है, स्नेहा जी बोलेंगे लेकिन पहले ये बोल रहे कि गोरिया चांद, चांद के चुड़िया,
सोना चांद के जोड़िया नियर गोर बारू भर। लेकिन हमारी स्नेहा जी भी जानती हैं आपके लिए क्या बोलेंगी। तो जैसा न सोच ले रोहनी वैसा न पिया मोर बारे। अभी बोलिए कि जैसा न सोच ले कुछ हिंदी गवाइए तभी गाएंगे दोनों आदमियों को वादा तो टूट जाता है।
हिंदी गाने के लिए कुछ गुनगुनाना चाहे, भोजपुरी बजा सकते हैं तो कोई एक कोई चीज इनके लिए फेवरेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो आप लोगों के ही साथ हूँ। हाँ तो कोई जो गाना आपका फेवरेट है इनके लिए बताइए ना, बताएंगे कोई सभी। देखिए आपके सारे दोस्त लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे दोस्त का डिमांड है ना जी, भाभी के लिए बुलवा दिया जाए। बक्का पहले आवाज चिल्ला करके बताइए तब बोलेंगे। आप बताइए कौन से गाने के लिए किया जाए। कोई सभी कि मिले हो तुम हमको अबरे नसीबों से, ये बोल रहे हैं आप नहीं बोल रहे, ये बोलेंगे अपने तरफ से। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे जाते। लेकिन आपके लिए अभिषेक जी कुछ थोड़ा सा गुण बनाएंगे। कोई सा भी और एक मिले हो तुम हमको, ये गाएंगे थोड़ा सा, ले हम भी गाएंगे, सभी लोग साथ में गाएंगे। मैं कुछ सामने करिए आप, करिए स्टार्ट करिए आप। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों में, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों, जुड़ाया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जुड़ाया है किस्मत की लकीरों से, अब उनके तरफ से हम गाए, निशा जी उनके तरफ से गाए, कि जन्म जन्म का साथ है, कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। मिलते इस जीवन में मिलते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन सभी लोग चिल्ला के मेरे साथ एक बार गाइए कि छोड़ेंगे ना हम, आप सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया इस जोड़ी के लिए। आपका नाम दीपक सिंह जी के तरफ से बहुत सारा इनाम आई है, और ऐसे ही सिमेश जी अब चलिए जोड़ी तो हम लोग सलामत बोल दिए, बधाई भी दे दी है। अब तो साथ कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है।
आज आपका देखिए ना, यहाँ पर इतना सारा भीड़ लगा है, इधर देखिए हम लोग यहाँ पे रिसेप्शन में आए हैं। इससे पहले बराती था, लड़का जब जाता है बराती में चलती तिलक तिलक देखता है कि लड़की बहुत सुंदर है, एक दूसरे का लाइन बाजी चलता चलता है ना, लड़की भी जाती है वैसे ही बेटा। हम दोनों भी आए हैं इस शादी में, समझिए कि अनजान है ना, हम कलाकार है ना हम कलाकार, हाँ एक दूसरे पर ऐसे बस वायरल कर दीजिएगा, यूट्यूब वाले तो यहाँ पर है ही। ठीक है, देखिए ऋषभ देखिए प्यार कैसे, पहले लड़की की तरफ से लाइन मारना होगा और कहेंगे अगर मिश्रा जी ने किया कबूल कबूल कबूल, कल जब पूरा ये यूट्यूब पर जो लिखने वाली जो मामला माजरा जो होती है ना वही हो चुकी है। बदनसीब का नसीब बहुत अजीब होता है, बदनसीब का नसीब बहुत अजीब होता है, सुख सुख के करीब और सुख बहुत दूर होता है। निशा जी कहते हैं प्यार की बात अमीर क्या जाने, प्यार की बात अमीर क्या जाने, क्योंकि दिल तो इन जैसे लोगों के पास होता है। सही बात है, आज इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इतना प्यार मोहब्बत आप सभी ने दिया, तो हम सभी लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं सीबीएसई। हाँ, तो आप और हम अनजान हैं, आप लाइन मारिए, हम तैयार हैं मनाने के लिए, बारी लाइन मारिए। कौन सा फरमाइश है, कौन सा कि गोरिया जा 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 भूला जाएगा, अरे वाह क्या बात है। चलिए ये गाना तो ऐसे मैंने गा दिया है, लेकिन आपकी फरमाइश है आप मेरे साथ गाइएगा, और निशा जी आप मेरे साथ, लेकिन आप यही रहिएगा, आपका गाना ये फरमाइश कर रहे हैं तो आप सुन के जाइएगा, लेकिन दिल का कनेक्शन है इस गाने में, भले है कि अब जा जा जान भूला जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भुलाइएगा मत, भुलाइएगा नहीं ना, भुलाइएगा नहीं ना, याद रखिएगा जब भी नाम जानते हैं ना निशा उपाध्याय, इसी गाने के लिए आप हमको बुला रहे, वाह आपके लिए कितना लगी रिंकू राज प्रदेश के प्रवक्ता जी की तरफ से आ जाए।